नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश MBBS BDS के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी कट ऑफ रही है, क्या रैंक रही है, स्टेट रैंक में कहां तक स्टूडेंट के लिए कॉलेज मिला है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है MBBS का। इसके अलावा दोस्तों, जो UR कैटेगरी की कट ऑफ रही है, ऑल इंडिया रैंक आपकी 20,608 है। इसके अलावा स्टेट रैंक दोस्तों आपकी 2,029 है, 615 नंबर पर आपको कॉलेज मिला है। इसके अलावा दोस्तों, OBC कैटेगरी की बात करें तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है 22,745। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो स्टेट रैंक है वो है आपकी 2,090 और 611 नंबर पर दोस्तों आपको कॉलेज मिला है। इसके अलावा दोस्तों, अपन EWS कैटेगरी की बात करें, आपकी ऑल इंडिया रैंक है 22,483 और जो आपकी स्टेट रैंक है वो है 2,666, 612 नंबर पर आपको कॉलेज मिला है। अब दोस्तों, SC कैटेगरी की बात करें, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो है 1,52,091। इसके अलावा आपकी स्टेट रैंक है 6,703 और 459 नंबर पर आपको कॉलेज मिला है। अब दोस्तों, ST कैटेगरी की बात करें, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है 5,15,329, वही आपकी स्टेट रैंक है 13,406 और 263 नंबर पर आपको कॉलेज मिला है। अब दोस्तों, ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। सेकंड राउंड में आप अप्रोक्स दोस्तों इसमें प्लस 5 से 7 नंबर कर दीजिएगा। अगर आप 5 से 7 नंबर का आपका फर्क आ रहा है तो आपको सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा आने वाली वीडियो में मिस्टी और जो मॉप अप राउंड है इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने बड़े बारीकी से उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है आपको बताई है। काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा उम्मीद लेके बैठे हुए थे कि हमें ये कॉलेज मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अगर अभी आपका 10 या 15 नंबर इस स्कोर में कम है तो उम्मीद की जा रही है आने वाले काउंसलिंग में आपको दोस्तों कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका काफी कम स्कोर है लेकिन उनकी आंखों में MBBS करने का सपना है, लेकिन दोस्तों उनका जो कट ऑफ है इससे ऊपर ज्यादा स्कोर नहीं जा पा रहा है। तो कम नंबर होने पर स्टूडेंट सोच रहे हैं अब क्या करें, ड्रॉप लें या ना लें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम हो गया है, आप आउट ऑफ इंडिया से भी MBBS कर सकते हैं। जिन स्टूडेंटों का इस बार यहाँ इंडिया में सिलेक्शन होगा और जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाएगा, दोनों स्टूडेंटों को नेक्स्ट का एग्जाम देना है। तो दोस्तों, हो सकता है आज इस एग्जाम में आप स्टूडेंटों के बराबर ना पाए हों, लेकिन अभी 5.5 से 6 साल का जो MBBS का ड्यूरेशन है इसमें आप मेहनत करके इनके पैरेलल आके उस नेक्स्ट एग्जाम को क्रैक करके आप दोबारा से दोस्तों इन्हीं के साथ खड़े हो सकते हो। आउट ऑफ इंडिया से कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, क्या फीस रहेगी, इसके रिगार्डिंग दोस्तों स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली जो उत्तर प्रदेश की सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट होगा, जो भी अपडेट होगी, पूरी काउंसलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।